दो पुरानी खबरों पर आप गौर कीजिए। पहली खबर, साल 2009 से फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया कि इसराइल गाजा में च्युइंगम भेज रहा है। ये च्युइंगम सेक्स पावर बढ़ाने वाला है, इससे गाजा के नौजवान भटक रहे हैं। दूसरी खबर, साल 2022, लोगों के प्रेशर में आकर ब्रिटेन की सरकार को एक टास्क फोर्स बनानी पड़ी है जिसका नाम च्युइंगम टास्क फोर्स है और जिसका काम पूरे ब्रिटेन से च्युइंगम की सफाई करना है। च्युइंगम, मीठी रबड़ का ये छोटा सा टुकड़ा, इन दो उदाहरणों के अलावा भी कई बार खबरों की वजह बना है। उन मौकों की चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन आपने कभी क्या सोचा कि चांद को छूने की क्षमता रखने वाला एक जीव दिन भर जुगाली करता हुआ गुब्बारे फोड़ता रहता है और हम इसे सामान्य चीज़ भी मान लेते हैं। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। इसमें आज हम सुनाएंगे कहानी च्युइंगम की। क्या है च्युइंगम का इतिहास, क्यों करते हैं हम जुगाली और इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये सब जानेंगे आज के एपिसोड में। च्युइंगम या बबल गम एकदम नई चीज लगती है, लेकिन पुरातत्व शोध से पता चला है कि कुछ 9000 साल पहले उत्तरी यूरोप के लोग भोज के पेड़ की छाल चबाया करते थे। संभवतः दांत का दर्द मिटाने के लिए चबाते होंगे। ऐसे ही कुछ उदाहरण अलग अलग सभ्यताओं में भी मिलते हैं। माया सभ्यता के लोग चिकल नाम की एक चीज़ चबाते थे जो चीकू के पेड़ से निकलती थी, हालांकि वो लोग इसका इस्तेमाल दांत दर्द के लिए नहीं करते थे। मीलों के सफर में भूख या प्यास लगने पर च्युइंगम का इस्तेमाल करना पड़ता था ताकि मुंह गीला रहे। जेनिफर मैथ्यूज अपनी किताब चिकल द च्युइंगम ऑफ द अमेरिकास में बताते हैं कि एस्टेक सभ्यता के लोग भी चिकल चबाते थे। बाकायदा उन लोगों ने च्युइंगम चबाने के सामाजिक नियम भी बनाए हुए थे। पब्लिक में सिर्फ बच्चे या कुंवारी लड़कियां ही च्युइंगम चबा सकती थीं। शादीशुदा या विधवा महिलाएं भी च्युइंगम चबा सकती थीं, लेकिन सिर्फ प्राइवेट में। आदमी भी सिर्फ अकेले में च्युइंगम चबा सकते थे और अक्सर इसे दांत साफ करने या बदबू मिटाने के लिए चबाया जाता था। च्युइंगम का इतिहास पुरातन ग्रीस से भी जुड़ा है। मस्तूल का एक पेड़ होता है जिससे निकलता है गोंद। ग्रीसवासी इसी गोंद को च्युइंगम की तरह चबाते थे। अलग अलग चीज़ों को च्युइंगम की तरह इस्तेमाल करने के लिए और भी उदाहरण आपको मिल जाएंगे, लेकिन आधुनिक समय में हम च्युइंगम कहते हैं जिस चीज़ को, उसका इतिहास शुरू होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, यूएसए। साल 1848 की बात है। अमेरिका के एक व्यापारी जॉन कर्टिस ने पहला मॉडर्न च्युइंगम बनाया। कैसे? पेड़ से निकलने वाले गोंद को पानी में उबाल लिया और उसकी पतली छड़ें बना ली। इसे कॉर्न स्टार्च में लपेटा जाता था ताकि च्युइंगम कागज से चिपके नहीं। कर्टिस को अपने प्रोडक्ट पर इतना भरोसा था कि जल्दी उन्होंने एक फैक्ट्री डाल ली। सोचा था कि नोट छापेंगे वो उसमें च्युइंगम बेच के, लेकिन कर्टिस का ये प्रयोग फेल रहा। कर्टिस की बनाई च्युइंगम स्वाद में बेकार थी, साथ ही मुंह में डालते ही बहुत जल्दी कठोर हो जाती थी, इसलिए इसे देर तक चबाना मुश्किल था। फिर च्युइंगम के इतिहास में एक क्रांतिकारी मोड़ आया साल 1855 में। मेक्सिको के एक दिग्गज नेता हुए अंतोनियो लोपेस डे सैंटाना। इनके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि दिग्गज मतलब ये वाकई दिग्गज थे। मेक्सिको को आज़ादी दिलाने में इनकी प्रमुख भूमिका थी। आज़ादी मिली मेक्सिको को 24 अगस्त 1821 को। इसके बाद इन्होंने मेक्सिको का संविधान लिखा, राष्ट्रपति बने ये, पद से हटाए भी गए, देश निकाला हुआ वापस लौटे, एक बार फिर राष्ट्रपति बने और अमेरिका से भयंकर लड़ाई भी लड़ी। अब ये सब कम था कि मॉडर्न च्युइंगम बनाने में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई। उस दौर में न्यूयॉर्क में एक आविष्कारक हुआ करते थे, थॉमस एडम्स। एडिसन नहीं, एडम्स, थॉमस एडम्स। जिन दिनों सैंटाना निर्वसन में जी रहे थे, उनकी मुलाकात एडम्स से हुई। सैंटाना को पता चला कि एडम्स रबड़ बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। एडम्स की मदद के लिए उन्होंने खास चीज दी, चिकन। चीकू के पेड़ से निकलने वाला गोंद जिसे मेक्सिको वासी सदियों से चबा रहे थे। इस चिकल के जरिए एडम्स ने रबड़ बनाने की कोशिश की, लेकिन उनका यह प्रोजेक्ट फेल रहा। अंत में एक रोज एडम्स को एक आइडिया आया, क्यों ना चिकल का इस्तेमाल च्युइंगम बनाने के लिए किया जाए। अब ये आइडिया जो था वो च्युइंगम के इतिहास का यूरेका मोमेंट था, यूरेका वाला यूरेका। मात्र $35 के इन्वेस्टमेंट से एडम्स ने एक च्युइंगम फैक्ट्री शुरू की। एडम्स ने मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका से बड़ी मात्रा में चिकल का आयात भी किया और जल्दी उनका नया च्युइंगम चल भी निकला।
एडम्स के च्युइंगम में खास बात यह थी कि ये लंबे समय तक सॉफ्ट बना रहता था। हालांकि इस च्युइंगम में आज की तरह कोई स्वाद नहीं था, फिर भी एडम्स का च्युइंगम खूब बिका। अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए एडम्स ने तरकीबें भी अपनाई। एडम्स ने पहले कैंडी का बिजनेस शुरू किया, उसके बाद दुकानों में जब उनकी कैंडी भेजी जाती तो साथ में मुफ्त च्युइंगम भी भेजा जाता। बच्चों को ये च्युइंगम कैंडी के साथ मुफ्त मिलता और जल्द ही बच्चों को इसकी आदत लग गई और च्युइंगम की मांग में हुआ ज़बरदस्त इजाफा। इस बीच थॉमस एडम्स को एक और नया आइडिया आया कि क्यों ना च्युइंगम में फ्लेवर मिला दिया जाए। 1871 में एडम्स ने एक स्वादयुक्त च्युइंगम लॉन्च किया और ये प्रयोग ऐसा हिट हुआ कि एडम्स की लॉटरी लग गई। आप मानिए, फलों के स्वाद से लेकर चॉकलेट फ्लेवर तक एडम्स ने इसके बाद एक से एक नए च्युइंगम लॉन्च किए और जल्द ही पूरे यूएस में इनकी धूम भी मच गई। शुरुआत में च्युइंगम सिर्फ बच्चों के खाने की चीज होता था, लेकिन जल्द ही महिलाओं में भी इसका चलन बढ़ा। हालांकि इसी चक्कर में हंगामे की शुरुआत भी हुई, क्योंकि मर्द चबाते थे तंबाकू। महिलाएं च्युइंगम चबाने लगी तो मर्दों ने यह कहकर विरोध किया कि वो पुरुषों की बराबरी करना चाहती हैं। च्युइंगम जैसी मामूली चीज कैसे दकियानोसी सोच का सिंबल बन सकता है, ये पता चलता है उस दौर के अमेरिकी अखबारों की रिपोर्ट्स को पढ़कर। शिकागो ट्रिब्यून नाम का एक अखबार लिखता है, च्युइंगम चबाने के कारण एक लड़की के चेहरे पर लकवा मार गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, च्युइंगम से अपेंडिक्स बढ़ जाता है, च्युइंगम इटालियन आइसक्रीम से भी ज्यादा खतरनाक है। लॉस एंजलिस टाइम्स के अनुसार च्युइंगम चबाते चबाते एक महिला सो गई और उसने च्युइंगम निगल ली, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। अब ये तीन बड़े रेप्यूटेड अखबार थे, मैगजीन्स पे आइए। डेंटल हेरल्ड नाम की एक पत्रिका ने तो च्युइंगम चबाने वालों को जानवर बताया, लिखा कि इंसान जुगाली नहीं करता, अगर वो ऐसा करता है तो इसका मतलब वो जानवरों की क्लास में आ गया। इन सब खबरों में आपने नोट किया होगा कि सब खबरें महिलाओं को लेकर थी। महिलाओं को च्युइंगम चबाना मर्दों को खास नागवार गुजरता था। उच्च वर्ग की महिलाएं च्युइंगम चबाएं तो उन्हें नीची नज़र से देखा जाता था। च्युइंगम के साथ हालांकि कुछ असली दिक्कतें भी थीं, लेकिन लोगों का एतराज सिर्फ महिलाओं के च्युइंगम चबाने तक सीमित था। डबल मिंट एंड डबल स्टैंडर्ड, अमेरिकन एटीट्यूड्स टुवर्ड वुमेन च्युइंग गम नाम के रिसर्च आर्टिकल में ब्रूक सटन लिखती हैं, शुरुआत में महिलाएं च्युइंगम को लेकर बड़ा बेतकल्लुफ रवैया रखती थीं। लोग दो दो महीने तक एक ही च्युइंगम चबाते थे, रात को सोते हुए बाहर निकाल देने के बाद सुबह उसी को फिर से चबाने लगते थे। इस आदत पर अखबारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। च्युइंगम को लेकर सामाजिक सोच में बदलाव आया 20वीं सदी के पहले दशक में। हुआ ये कि धीरे धीरे पुरुषों के तंबाकू चबाने पर नियम हुए सख्त, आर्मी में तंबाकू चबाने पर रोक लग गई। साथ ही लोगों को एहसास होने लगा कि यह दांतों के लिए खराब है, लिहाजा डॉक्टर्स ने पुरुषों को च्युइंगम चबाने की सलाह देने शुरू की। पुरुषों के च्युइंगम चबाते अखबार एकदम पलट भी गए। च्युइंगम से चेहरे की कसरत होती है, च्युइंगम से सांस की बदबू खत्म होती है, जैसे तमाम फायदे अब गिनाए जाने लगे और जल्दी च्युइंगम सर्वसाधारण में इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट बन गया। कंपनीज ने इसका फायदा उठाया और जल्दी च्युइंगम के कई ब्रांड्स मार्केट में उतर गए। च्युइंगम से अपना नाम कमाने वाली पहली बड़ी कंपनी का नाम था रिगली, जिसके च्युइंगम आज भी बिकते हैं। रिगली के बड़े बनने के पीछे सिर्फ उसका प्रोडक्ट नहीं था। 1916 में रिगली के मालिक विलियम रिगली जूनियर ने अपनी फैक्ट्री में लोगों को महंगाई भत्ता, फिक्स काम के घंटे जैसी सुविधाएं भी देने शुरू की। इसका मतलब एम्प्लॉय खुश तो प्रोडक्ट भी आगे जाता है। एनीवेज, जो उस समय में एकदम अनसुनी बात थी, तब की आज सुनी जाती है। रिगली की फैक्ट्री में काम करने के लिए लोग लालायित रहने लगे। जल्द रिगली के च्युइंगम सिनेमा तक पहुंच गए। फे टिंचर नाम की एक एक्ट्रेस हुआ करती थी उस दौर में। टिंचर जो किरदार निभाती थी वो अक्सर च्युइंगम चबाते थे। टिंचर का सुडौल चेहरा इस कदर सुंदर था कि लोगों को लगा कि इसकी वजह से, च्युइंगम चबाने की वजह से वो इतनी सुंदर दिखती हैं। दिन पर दिन च्युइंगम के फायदे बढ़ने लगे, लोग जो बता रहे थे वो वाले फायदे। 1916 में च्युइंगम को नाम दिया गया चिंता का दुश्मन। कई हेल्थ मैगजीन ने दावा किया कि च्युइंगम चबाने से चिंता नहीं होती और इससे डिप्रेशन का भी इलाज होता है। डॉक्टर भी मानसिक विकार के लिए च्युइंगम प्रिस्क्राइब करने लगे। च्युइंगम यहाँ से होता गया पॉपुलर। हालांकि च्युइंगम का वो रूप जिससे फुलाकर गुब्बारा बनता है वो थोड़ा देर से बना। 1928 में फ्लियर नाम की एक कंपनी ने पहला बबल गम लॉन्च किया, जिसका नाम था डबल बबल। च्युइंगम हो या बबल गम, अमेरिका से निकलकर पूरी दुनिया में यह फैल गया और कई बार चर्चा का विषय बना। साल 1992 में सिंगापुर में च्युइंगम बैन किया गया, लोगों ने विरोध किया। च्युइंगम के पक्ष में तर्क ये उठा कि ये सोचने में मदद करता है, और तब सरकार में मंत्री ली क्वान यू ने जवाब दिया कि अगर चबाए बिना सोच नहीं सकते केला खा लो। सिंगापुर के लोगों ने केला खाना शुरू किया या नहीं पता नहीं, लेकिन सिंगापुर में च्युइंगम पर बैन
आज भी बरकरार है, यानी कि फरवरी 2024 के इस आखिरी हफ्ते में भी। सिंगापुर ने च्युइंगम बैन किया। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये थी कि लोग इसे कहीं भी चबाकर फेंक देते थे। छोटा देश है, बहुत गंदगी होती होगी। साल 2022 में यही बात ब्रिटेन में एक बड़ा मुद्दा बनी। एक सरकारी रिपोर्ट में बात सामने आई कि हर साल सिर्फ च्युइंगम साफ करने के लिए 70 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इसके बाद सरकार ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जिसका काम सिर्फ च्युइंगम की सफाई करना था। हिंदुस्तान की बात करें तो पान हो या मसाला चबाने की प्रथा तो कब से है, लेकिन च्युइंगम चबाना हिंदुस्तान में शुरू हुआ 1990 के उदारीकरण के बाद। इससे पहले जो च्युइंगम भारत में मिलते थे वो सस्ती क्वालिटी के होते थे। सस्ती क्या कहें, ख़राब या बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होते थे, ऐसा कहना चाहिए। भारत के मार्केट को देखते हुए 1990 के बाद च्युइंगम की कंपनीज यहाँ आई और फिर बिग बबूल से लेकर सेंटर शॉक तक, सेंटर फ्रेश, ये सब आते रहे। च्युइंगम भारतीय कल्चर का एक हिस्सा भी बनी। इन ब्रांड्स के एडवर्टीजमेंट अपने समय में बड़े लोकप्रिय हुए। बहरहाल च्युइंगम आज एक सामान्य चीज़ मानी जाती है। फिर भी ऐसे में धक आज भी चलते हैं कि च्युइंगम निगल लो तो हमेशा अंदर रहती है। हम कहेंगे कि च्युइंगम चबाने की चीज़ है, निगलने की नहीं। खूब चबाइए और गलती से अगर आपने निगल भी लिया तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। च्युइंगम परेशानदार एपिसोड हमारे साथी कमल ने लिखा और आलोक ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए और चबाते रहिए दिल अलन टॉप को।